इडुक्की केरल के खूबसूरत पहाड़ी स्टेशनों में से एक है और सबसे खूबसूरत केरल स्थानों में से एक है। यह केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इडुक्की दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनामुड़ी, इसके साथ साथ 13 अन्य चोटियों का भी घर है। जिले का अधिकतर भू क्षेत्र पश्चिमी घाट में स्थित है और इसका अधिकांश भाग वन से ढका हुआ है। इडुक्की पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यह इडुक्की बांध के लिए भी लोकप्रिय है, जो झील के बैक वाटर में खूबसूरत सवारी भी प्रदान करता है। यह वन्य जीव अभयारण्य, पहाड़ी स्टेशन, मसालों के बागान और पर्वत ट्रैक जैसे विविध आकर्षणों का केंद्र है। यह जिला 26 जनवरी 1972 को कोट्टायम जिले के देवीकुलम, पीरुम देडु और उडुम्बनचोला तालुक तथा एर्नाकुलम जिले के थोडुपुझा तालुक की स्थापना के लिए बनाया गया था। उच्च पर्वत और जंगली घाटियां, तीन मुख्य नदियां पेरियार, थालायार और थोडुपुझयार और उनकी सहायक नदियों द्वारा घिरे हुए हैं। इडुक्की जनजातीय आबादी की एक बड़ी आबादी का घर है। इडुक्की के इतिहास के अनुसार इडुक्की चेरा राजवंश का हिस्सा था और बाद में 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी तक कुल शेखर राजाओं द्वारा शासित रहा। 1877 में केरल वर्मा के पुंजर के तत्कालीन राजा द्वारा ब्रिटिश प्लानर जॉन डैनियल मनरो को भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर दिया गया था। मनरो ने एक भूमि संयंत्र और कृषि सोसाइटी की स्थापना की, जहां सदस्यों को अपनी चाय की संपत्ति स्थापित करने की इजाजत थी। इडुक्की का नाम मलयालम शब्द इडुक्कू से लिया गया है, अर्थ है एक संकीर्ण घाटी। पेरियार, जो केरल की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, कुरुवन और कुर्थी नामक दो बड़े पैमाने पर चट्टानों के बीच इडुक्की गर्ज के साथ बहती है। इडुक्की बांध एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। इसमें कुलमावु बांध और चेरुथोनु बांध अन्य महत्वपूर्ण बांध हैं। इडुक्की को केरल का पावर हाउस कहा जा सकता है, क्योंकि यह राज्य की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर खपत का 66% हिस्सा उपज करता है। इडुक्की वन्य अभयारण्य 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कई जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास है। थेक्कडी चिन्नर वाइल्ड लाइफ अभयारण्य और इरविकुलम नेशनल पार्क, कटप्पा में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य का प्रसिद्ध बाघ रिजर्व, मसाला देवी मंदिर, वागमन और मुन्नार केरल के सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन हैं और इडुक्की जिले के प्रसिद्ध आकर्षण हैं। इडुक्की पहुंचने के लिए कोचीन एयरपोर्ट निकटतम हवाई अड्डा है, जो इडुक्की से 101 किलोमीटर दूर है। यह कोट्टायम रेलवे स्टेशन से 94 किलोमीटर दूर है। केरल में एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के नाते इडुक्की कोचि, मुन्नार, त्रिवेंद्रम और कोट्टायम से बस से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये थी केरल के मुख्य पर्यटन स्थल इडुक्की के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।